हेलो दोस्तों, आरएएस प्री जो एग्ज़ाम 2018 है, आरपीएससी ने उसकी आंसर की जारी कर दी है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो त्रिभुज वाला था उसको छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आरपीएससी ने दे दिए हैं। इसके अनुसार जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उन्होंने भी आरएएस प्री की जो कट ऑफ है वो लगभग 70 से 75 नंबर रहने का अनुमान है। इसके जो बीच में है या 70 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाए अभी से। बाकी जो आंसर की बात करें तो आंसर जो है आरपीसी के अनुसार वो है इस प्रकार से है, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन वाला है। इसके दोनों ही कथन जो सही हैं ए और बी, फोर्थ आंसर आएगा। उसके अलावा जो किस स्थल से जो शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, तो ये बैराट आंसर दिया है आरपीसी ने, इसका आंसर पहला बैराट आएगा। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में कौन सा शासक गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो वो भरत भट्ट प्रथम दिया है इसका आंसर। फोर्थ में राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, तो नैमित्तिक जो था वो राज के ज्योतिष के लिए यूज होता था, ये आरपीसी का आंसर है। क्रांतिकारी जिन्होंने महंत प्यारेलाल कांड में हत्या में सजा मिली वो केसरी सिंह भारत थे, इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1718 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो ये चार्ल्स मेटकॉक थे। उसके बाद में जो देसी रियासतों को 25 जनवरी 2018 की गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था हिंदी में, इसलिए इसको आंसर जो है इंग्लिश को देखते हुए माना है। इसके अंदर ये था कि प्रिंसली स्टेट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25 मार्च 1948, तो इसके अनुसार बिल्कुल उदयपुर सही है। इसको मानते हुए आरपीसी ने इसका आंसर उदयपुर दे दिया है। इसके बाद में जो हरिभाऊ के संस्थापक थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, जो त्यागभूमि के जो संस्थापक थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, तो दोस्तों इसमें कामेश्वर महादेव वाला मंदिर पाली में है और शीतलेश्वर वाला जो है झालावाड़ में है, पीपलाद जो है जोधपुर में है और नीलकंठ जो है वो अलवर में है, इसका आंसर दूसरा आएगा DCBA। इसके अलावा चित्तौड़ किले में कौन सा मंदिर है जो जैन मंदिर भी है, उसमें सतवीस देवरी मंदिर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कौन सा चित्रकार अलवर शैली की से संबंधित नहीं है, तो ये नानक राम नहीं है, क्योंकि ये नानक राम नहीं थे, नानक राम थे जो दोस्तों जो अलवर शैली के अंदर हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बोल भारमली जो है वो यादवेंद्र शर्मा की नहीं लिखी हुई, ये सही आंसर इसका ये होगा। तेरहवें में गौरी देवी जो गौरी देवी थी वो गायन शैली से संबंधित है, तो ये मांडगायक शैली से संबंधित है। 14 क्वेश्चन में नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो ये चरणदास जी की थी। अगला गराशिय जाति से संबंधित नृत्य शैली है, तो ये लूर है। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोनों कथन दोस्तों सही हैं। अगला आंसर जो है इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, तो अलब्रुस जो है दोस्तों रूस में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट कुक संयुक्त राज्य अमेरिका में है और मैकिनले जो है न्यूजीलैंड के अंदर है। इसके अलावा 18वें क्वेश्चन में जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी भी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, तो ये अल्फा सूचकांक होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक प्रदेश जो है कौन सा सही नहीं है, तो ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, वो यूके में नहीं है, ये इसका जो है गलत आंसर है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें जो कील नहर है, कील नहर जो है दोस्तों एल्प्स ज्वारनमुथ को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से, और पनामा जो है वो अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से, और स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके अलावा कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट से में अवस्थित नहीं है, तो ये सलहेर नहीं है जो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। 22वें में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये मासा जो है हिमाचल प्रदेश की नहीं है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो सामुदायिक रिजर्व है दोस्तों, सामुदायिक रिजर्व 546 है, कंजर्वेशन रिजर्व 76 है, नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय
पार्क है वो 103 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये 544 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेल और इसरो का सहयोग से बनाया है तो इस GAAS सौर सेल बनाया है दोनों ने मिलके। अगला क्वेश्चन, जालौर के अंदर दोस्तों, जालौर जो है इसके अंदर जहरोला है, जयपुर के अंदर जो है वो बरवाड़ा है, अलवर के जो अंदर है वो भानगढ़ है और सीकर के अंदर जो है रघुनाथगढ़, इसका आंसर है, पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है तो ये बुकुंद्रा की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्ध मुख्य परियोजना का है हनुमानगढ़ और चूरू से, नर्मदा परियोजना है जालौर बाड़मेर से, जवाही परियोजना है जो है वो जालौर पाली और जोधपुर से, जाखम परियोजना है वो उदयपुर और प्रतापगढ़ से है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायित है तो इसका पहला आंसर सही माना है, कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो संगमरमर विकास और संरक्षण नियमावली 2002 है, राजस्थान खनिज नीति 2015 है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 है, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधन मई 2016 है, ये चारों ही सही आंसर है इसका, ऑल आ जाएगा दोस्तों फोर्थ। निम्नलिखित में से खनिजों का राजस्थान में लगभग अकेला एकाधिकार है, लगभग अकेला राजस्थान उत्पादक है तो इसमें ए से दे माना है, सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इसका आंसर सही माना है। अगला है, जो वर्ष 2017-18 में दिसंबर 17 तक राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत और राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है तो भारत के अंदर तो 31.15 है और राजस्थान के अंदर 24.87 है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं तो ये ए बैद जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग, इसका सही आंसर माना है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जाति में ST अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है तो बीकानेर और नागौर में जो है न्यूनतम है। पचवर्धा जो बाड़मेरी है ये में जो रिफाइनरी है दोस्तों ये HPCL और राजस्थान सरकार का उपक्रम है, इसका आंसर फोर्थ होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तों इसमें सवाई माधोपुर का शेर गलत है, शेर की जगह इसमें बाघ आएगा इसलिए ये आंसर इसका हो गया। केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ तो दोस्तों ए और सी इसका आंसर माना है, 1926 और 1945 इसका RPSC ने आंसर माना है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ये लिखी थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। भारतीय संविधान से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों ए और डी है, ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से अवश्य की जाएगी जिसकी संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंत स्थापित किया गया है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल अधिकारों के संबंधित निर्णयों का कालानुक्रम है तो दोस्तों इसमें DABC आएगा, DABC मतलब सबसे AK गोपालन जो था सबसे पहले आएगा 50 में, फिर गोकुलनाथ और फिर उसके बाद में केशवानंद भारती और फिर मेनन्द्रा मिल। 42 में स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे तो इसके सदस्य रहे थे AR अंतुले, SS रे और CS स्टीफन इसके सदस्य रहे थे, ABD इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो इसमें 240 एक गए पांडुचेरी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो ये 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। 45 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टूगेदर, इसका आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम जो दोस्तों 20 मामले उठाए जा सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं तो वित्तीय पहली तीन हो जाएगी, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपकरण समिति, इसके ABC आंसर हो जाएगा।
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है CAG, इसको हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है उठाने की उसी रीति से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी, ये 57 समिति की सिफारिश पे हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा दोस्तों USA संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है, तो ये चारों है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। नेक्स्ट जो है मैच करने का है, अतुल कोहली जो है वो दी सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के हैं। इसी प्रकार से जो है सेकंड का 4, सी का वेल फर्स्ट और डी का थर्ड आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368(2) के उपपदों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थित के लिए आता है तो ABC तीनों सही है। विधानसभा संकल्प पारित कर सकते हैं, ऐसे स्वीकार कर सकते हैं, कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया सकता, तीनों सही है इसके आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है, तो ये 4th है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपकरण नियम 2011। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे, तो ये शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत है, बी और सी। अगला जो है इसके अंदर है दोस्तों लोकायुक्त राजस्थान में किसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, तो ये पंच और सरपंच है जिनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में संबंध सही है, तो ABD इसका सही है। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ। ये आयोग मार्च 2000 से कार्यशील हुआ और इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, तो ABD इसका आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे, तो न्यायमूर्ति RC लाहौटी है, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन है 59। इस निम्नलिखित में राजस्थान विधानसभा में प्रोटोम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ये पूनम चंद बिश्नोई है, इसका आंसर पहला आएगा, फर्स्ट सही है इसका। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें ACD सही है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, ACD इसका सही आंसर होगा। 61 है किसी विधेयक पर लोकसभा उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित है किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, तो उसे पारित करने हेतु राज्यपाल को भेजा गया, तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविद्यमान नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। किसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है, तो एक घी को रखा गया है। अगला है कि दोस्तों 2016 से 21 तक ±2% की सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रा स्फीति का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, RPSC ने इसका आंसर भारत सरकार माना है। भारत को जो 2016-17 में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है बाहर से अंतर प्रवाह में जो योगदान है विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश में, वो मॉरिशस का है सबसे ज़्यादा। और कंपनियां प्रौद्योगिकी मदद से कारोबारी प्रतिक्रिया में संरचना में क्यों करती है, तो इसमें इन चारों ही सही है दोस्तों। अगला है भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो याचना मुद्रा बाजार है, वो अस्थिर मतलब कोल मनी मार्केट है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बजट में राजस्व घाटे में सम्मिलित नहीं किया, तो ये अल्प बजट है जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की में सबसे ज़्यादा जोर अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर दिया गया, मतलब फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर दिया गया। अगला जो है 69 समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फूर्ति होती है, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, ये दोनों ही सही है और इसका कारण भी सही है दोस्तों। राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 है। 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.16 है। हाल ही में राजस्थान में के बजट की राजस्व प्राप्ति में निम्नलिखित कौन सा मत सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है, दोस्तों बजट में अपन देखें तो केंद्रीय करों में हिस्सा सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, परंतु राज्य का कर राजस्व में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें सभी करों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। निम्नलिखित में किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक है, तो दोस्तों इसमें सूरतगढ़ दिया गया है। वैसे इस टाइम पर आज की बात करें तो छबड़ा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाला बन गया है, लेकिन जिस टाइम पर एग्जाम दिया था
उस टाइम पे इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए आरपीएससी ने इसका सही आंसर सूरतगढ़ी माना है। राजस्थान में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई है। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुक्रम बिक्री प्रस्ताव नहीं है, तो ये चिकित्सीय पर्यटन है। निम्न में कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है, तो ये गंगा नहीं है दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राजस्थान राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो स्वरूप सागर झील नहीं आती है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मेट्रो ट्रिकोतर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित सहयोग रखने हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर 2 लाख से कम आयु होनी चाहिए और कम से कम 50% प्राप्तांक होने चाहिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्वावलंबन योजना का उद्देश्य दोस्तों, इसमें पहला ऐसे निर्धन महिलाओं और विधवाओं, उपेक्षितों और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधार करना इसका आंसर है। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम एम पावर किससे संबंधित है, तो कृषि विज्ञान कृषि विकास के अंतर्गत कोष और रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसका आंसर हो गया। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फुहारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया, तो ये नर्मदा केनाल परियोजना को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर शेलुलोशी रेशी का उदाहरण है, तो ये नायलोन है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग होने वाली तरंगे हैं अवरक तरंगे, अवरक जो किरण है वो उसमें टीवी की रिमोट कंट्रोल से उत्पन्न होती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत छपाई जाती है, तो रांगे की टिन की चढ़ाई जाती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे सामान्यतः संचालित होती है अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा है बूलियन बीजगणित पर। ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित कौन सा अंतर सही है, तो ब्लूटूथ 2.4 पर आवृत्ति पर और वाईफाई 2.4 से 5 की आवृत्ति पर प्रयुक्त होता है, इसका पहला आंसर सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा सही है। विक्रम साराभाई केंद्र अंतरिक्ष त्रिवेंद्रपुरम केरल में है और यू आर राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में, ये दो ही सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया, तो ये नोक डोना नहीं है जो इनके द्वारा जो है विकसित किया गया है। भारत का पहला दृष्टि सीमा से परे BVR हवा से हवा मार करने वाला दोस्तों अस्त्र है। और अगला आंसर PSLV-37 के द्वारा एक ही उड़ान में दोस्तों 15 फरवरी 2017 को जो 104 उपग्रह प्रमोचित किए गए। एक कण जिसकी कम से कम एक सीमा 10^7 से कम हो तो वो नैनो पार्टिकल होता है। इसके अंदर दाक्षा सरकार दोस्तों दाक्षा सरकार में ग्लूकोज में होते हैं, फल सरकार जो है फ्रुक्टोज में होते हैं, और दुग्ध सरकार जो है लैक्टोज होता है, चीनी में जो है फ्रुक्टोज होता है, और स्टाविया के अंदर जो है प्राकृतिक टिनार होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायित है, तो 21वां जो गुणसूत्र है वो 3 बार आ जाता है दोस्तों त्रिगुणता, तो इसका ये डाउन सिंड्रोम होता है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष अवलंबन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं वो कार्बन पदचिन्ह कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। उसके अलावा जो आम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दोस्तों इसका थर्ड आंसर आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 97 में गैर वन क्षेत्रों को विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 17 में वर्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, तो ये बांस है दोस्तों। DNA फिंगरप्रिंट का आधार है, तो इसके अंदर DNA बहुरूपता जो है DNA बहुरूपता इसका आधार है, फोर्थ आ जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये डुमाडू अजमेर में है दोस्तों। जो तबीजी जो अजमेर है वो डुमाडू के अंदर ही आता है, इसका पहला आंसर सही आएगा। कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा नहीं करते हैं जबकि तेज करते हैं, इसलिए ये गलत है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों। इसके अंदर जो ये कथन को कारण दिया गया है दोस्तों, एक यज्ञ भी वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 सही है। मोटे व्यक्ति सामान्य तेज दौड़ नहीं सकते, तो यही इसका कथन सही है, इसका 2 आएगा। नेक्स्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय पूर्व अकादमी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी देना भर्तियों में होना, यानी सरकारी नौकरियां जो है पूर्व अकादमी उपलब्धियों के आधार पर होने चाहिए, तो इसमें 2 सही है। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमी को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन में एक रूपता नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है सभी शाखाएं फूल है और सभी फूल पत्तियां हैं, तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही जो इस निष्कर्ष जो है फर्स्ट और सेकंड सभी शाखाएं पत्तियां हैं और कुल पत्तियां शाखाएं ये दोनों सही हैं, बाकी सही नहीं है, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा।
105 में दो कार्रवाइयों में जो है कंपनी की भर्ती की बात करते हैं तो इसमें ना तो कार्रवाई सही पहली सही है और ना ही दूसरी सही, ये दोनों ही नहीं हो सकता। 106 को जो है दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। 107 के अंदर दोस्तों बात करें तो इसमें चार का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर माइनस तीन का क्यूब करेंगे तो 33 आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस पाँच का क्यूब करेंगे तो 119 आएगा, और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 73 आएगा। 108 के अंदर जो दोस्तों ये है इसका आंसर QJ/G4th आएगा, और नेक्स्ट वाले में जो है VXYW इसका जो है 109 में सेकेंड आएगा। इसके अलावा जो कूट भाषा वाला क्वेश्चन था उसके अंदर WIR ये इसका सही आंसर आएगा। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं तो जो है पोत्र है दोस्तों इसका आंसर 111 में बी। एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो इसके हल की संख्या 10 होगी, और तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल वाला क्वेश्चन है इसके दोस्तों तीनों का योग जो होगा वो 15 होगा। जो सोने और तांबे वाला जो क्वेश्चन है इसके अनुपात अलग अलग दे रखे हैं, उनको बाद में मिश्रण का अनुपात 7:15 होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 7/9 प्लस 2/9 और इसमें 7/18 प्लस 11/18 आएगा, दोनों को अलग अलग जोड़ के निकालेंगे तो 7/5 आएगा। मजदूरी वाले की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इसका आंसर 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है छोटे शहर की जनसंख्या ये है तो 2 साल बाद में कितनी, तो 84,000 इसका आंसर, 8,40,000 इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट वाले में जो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यह है दोस्तों, इसका जो ब्याज का अंतर इक्वल टू राशि इंटू रेट दर अपॉन 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये निकाल सकते हैं इससे 87,400 इसका आंसर आएगा। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित पर 3 वर्ष के लिए दुगनी हो जाती है, 9 वर्षों में ये के गुणा हो जाती है तो के का मान दोस्तों 8 आएगा। ये जो टेबल वाला क्वेश्चन था उसमें 2010 से 2011 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई तो ये इसमें बस इसका आंसर आएगा। आगे वाले जो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या बराबर थी तो दोस्तों इसके 43.36 आएगा। इसके अंदर जो है यातायात और भोजन पर कुल वे जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है तो ये 39% अधिक है। राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर मौसम गर्मी बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया गया है तो ये निदान सॉफ्टवेयर है। चीन की टीम ने 2018 में BWS थॉमस कप 30वां संस्करण जीता है, इसने फाइनल में किस देश की टीम को हराया है तो ये जापान को हराया है। भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है तो ये दिव्या सूरी देवरा है। शरद कुमार जो है इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला 2020 बांग्लादेश ने जीता है तो फाइनल में जो है इसने भारत को हराया है। मार्च 2018 में भारत में स्थापित पहला मेगा फूड पार्क के बारे में दोस्तों इसका उद्घाटन जो है संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल ने किया है और यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, इसका आंसर ए और से आ जाएगा। जून 18 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग के मध्य जो ऐतिहासिक वार्ता हुई वो सिंगापुर में हुई। त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 18 में आयोजित हुआ, इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त कौन से 2 देश और हिस्सा लिया तो ये जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रेटिंग देते हुए हरियाणा सरकार ने 7 स्टार पंचायत ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है, इन पंचायतों में जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है को कौन सी स्टार रेटिंग दी गई है तो पिंक स्टार रेटिंग है। महिला सशक्तिकरण और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की है, ये महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है तो ये दोस्तों मेघालय, इसका आंसर सही दिया गया है। जून 24, 2018 को भारत के 4 पैराग्राफों ने एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया, इसमें से एक राजस्थान का था, वह कौन था, वो जगदीश चंद्र था दोस्तों। भारत सरकार ने 2022 तक कौन सी कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य दिया है तो 2022 तक 100 गीगावाट का है। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 3रे चरण में महिला रिवर्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ की गई तो दोस्तों इसका आंसर 3rd आएगा, साल्ट लेक सिटी, इसका आंसर सही है 3rd है इसका सही आंसर 3rd।
जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की है। इसके अलावा एक और है, वो है जस्टिस आर भानुमति है इसका आंसर। हाल ही में पाकिस्तान के जो यूसुफ सलीम हैं वो समाचारों में रहे हैं क्योंकि वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में निम्न पर विचार कीजिए, तो दोस्तों इसमें ऐसा ही है, राजनीतिक दलों को मिलने वाली चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से योजना का लक्ष्य है। चुनावी बॉन्डों को जारी करने की तिथि से 15 दिन कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। पात्र राजनीतिक दलों द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्डों का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व से सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो जाक्सा ने किया है। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। ये पुरस्कार कौन सी अनुकृति के लिए दिया गया है, तो गाथा तिस्ता पारारी के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार जो है वो CL सांखला को दिया गया है। राजवंशों की बात करें तो सुंग पाटलिपुत्र के थे, सातवाहन जो थे पैठन के थे, कदंब जो थे वो बनवासी के थे, और चंदेल जो थे महोबा के थे। मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्तकाल में माना जाता है। लाडनखा जो कि एक प्राकृतिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, तो दोस्तों ये श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में नहीं थी जबकि दक्षिण भारत में, इसलिए इसका जो है आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो दीवानी अर्थ जो विभाग चलाया था दोस्तों वो बलबन ने चलाया था, इसका आंसर पहला हो जाएगा। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ दोस्तों पठनपुर में है, इसका आंसर दो हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रमांकन लिखिए, तो इसमें 1, 3, 4, 2 आएगा। 1 मतलब लखनऊ, फिर आ जाएगा जलियावाला बाग हत्याकांड 19, लखनऊ 16, जलियावाला 19, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 20, और स्वराज दल की स्थापना 23। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सुबह के लिए नहीं है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, वो श्री राम वाजपेयी की नहीं है, ये गलत है, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था तो वो भगवती चरण बोरा है, क्योंकि भगवती चरण ने जो है फिलोसफी ऑफ बम बुक लिखी है, ना कि वो उसमें शामिल थे। गांधी इरविन सरोजरे में समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की, तो ये तेज बहादुर सपूत थे जिन्होंने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की। दोस्तों ये थे RPSC ने जो आंसर की दी है उसके अनुसार इसका पूरा करेक्ट आंसर शीट बनाया गया है। पेपर का लेवल पिछली बार से बहुत अपन बात करें तो 5 से 10 नंबर जो है कम जाने का अनुमान है, और कट ऑफ वही रहेगी 70 से 75 नंबर रहेगी। दोस्तों ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करें और मुख्य परीक्षा में अच्छे से अच्छा करें। किसी भी हालत में कट ऑफ 75 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल इतना लेंदी था कि निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर कम जाना वाजिब है। हालांकि 5 से 10% कट ऑफ स्टूडेंट बढ़ने के कारण ऊपर भी यानी 5-10 नंबर बढ़ते हैं, लेकिन जो है ओवरऑल जो सभी चीज़ों का विश्लेषण किया जाए, जो हमारे जितने भी यानी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा यही बताया गया है कि कट ऑफ सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 5 से 10 नंबर नीचे रहने के आसार हैं। कट ऑफ वही 71 से 75 के बीच में रहेगी दोस्तों।